कुछ अजिहे सरकारी स्कूल ने जो प्राइवेट स्कूलों की तर्ज ते वधिया सिक्ख्या सहूलतां नूं अपने आप ने समोई बैठे ने ते इन्हां सरकारी स्कूल विच हर एक उह सहूलत मौजूद है जो किसी वड्डे तो वड्डे प्राइवेट स्कूलों विच पाई जाती है। अजिहा ही एक स्कूल जिला हुशियारपुर ब्लाक मालपुर अधीन पिंड पुन्नो च देखण नूं मिल रहा है। परमजीत सिंह जी किहड़े पिंड दे सरपंच हो? पिंड पुन्नो दे जी। पुन्नो दा स्कूल देखिया अज सरपंच साहब, किदां आईडिया आया जी? ते आईडिया इदां आया जी, इह टीचरां सलाह कीती सी इत्थे बैठ के जी। जी तां फिर सानूं साडा स्कूल बहुत खराब सीगा जी, हालत बहुत खासा हालत सी इहदी जी। तां कमरे डिगण वाले सीगे इह जी, बच्चे डर दे अंदर वड़ दे गए सीगे जी। तां फिर टीचरां नाल के सलाह कीती पहलां जी, फिर सानूं NRI वल्लों सानूं काफ़ी हंगारा मिल गया जी। तां फिर असीं इह बिल्डिंग ढा के दुबारा बनाई जी। ट्रेन की असं बैठ के नैट से इतने कढ़िया जी, तो एक स्कूल सूँ बहुत वह लगा जी, ट्रेन बनी हुई थी जी। तो साडा भी मतलब सपना सी एक भी असं अपना स्कूल इदा बनाइए जी, जो असं सा कामयाब हो गया आप बनाने। लॉकडाउन दौरान ही सारा कुछ बनया? लॉकडाउन के वेले जी, जी तो असं भी इतने आके बैठते थे, टीचर भी आ जाते थे जी, तो इतने आके भी आप सलाह करते होंगे। स्मार्ट स्कूल का दर्जा भी दिता गया स्कूल में, की खासियत है स्कूल? खासियत यह साडे स्कूल के स्टाफ बहुत वधिया है जी, जी तो बच्चे लॉकडाउन जी वधिया पढ़ते रहे जी, तो हुण भी कोई प्रॉब्लम इदां दी है नहीं जी। तो बाकी जिहड़े स्कूल के NRI भरावां वल्लों सानूं बहुत सहयोग मिलता, वो इदां मिलता बच्चों वीजा दिंदे आ जी, सैकल बनते आ, वर्दियां दिंदे आ जी, बिजली का बिल दिंदे आ जी, वो तो सानूं कोई भी कमी आती है जी पूरी करदे आ जी। मेरा नाम जसवीर सिंह जी, बतौर हैड टीचर मैं सरकारी प्राइमरी स्कूल पुन्नो विखे काम कर रहा। ठीक है जी, सरपंच साहब ने दस्सिया तुहाडा बड़ा योगदान रहा, कित्थों शुरुआत कीती सी, इस लई स्कूल कित्थे खड़ा है जी? मैं जदों इत्थे बतौर हैड टीचर बन गया तो तकरीबन मेरे तो पहला मैडम स्कूल दे विच काम करते थे, साढ़े स्कूल 30 बच्चे सीगे उस वेले, तो असी बड़ा उपराला किया, तो इन्होंने मेरे आने तो पहले ही एक जिहड़ा साडे वल्लों NRI वल्लों एक सानूं सहयोग दिता गया सीगा कि असी बच्चों लई कुछ करना चाहते हैं, तो उहदे लई उन्होंने फिर यह किया पहला स्टेशनरी दी जाएगी, फिर बाद विचों कहिंदे जी स्टेशनरी असी फिर आइडिया दिता कि स्टेशनरी हर मंथ तो असी बच्चे नूं दे नहीं सकते, उहदे लई फिर यह किया गया कि क्यों ना बच्चे नूं पर मंथ प्रति बच्चा विद्यार्थी यानी कि उन्होंने 100 रुपया वजीफा जिहड़ा शुरू किया, ये जिहड़ी स्कीम आ 4 साल तो शुरू की गई है, ये तो बहुत फर्क पिया इहदे नाल, तो जिहड़ा साडा प्री प्राइमरी क्लासेज भी शुरू हो गई साडे स्कूल दे विच, उन्हां नूं भी 50 रुपए पर मंथ, एक आंगनवाड़ी 2 साडे स्कूल दे विच चल रही हैं, उन्हां दे बच्चे जिहड़े बच्चे पढ़ते उन्हां नूं भी 50 रुपए प्रति मंथ, ये सारा NRI वल्लों नकद पैसा सानूं भेजा जांदा। मैं यही मैसेज देना चाहनी हाँ भी अज्ज कल हुण ऑनलाइन के दौरान जो भी COVID-19 के दौरान ऑनलाइन जो एजुकेशन चल रही है वो जो सरकारी स्कूलों वालों की जा रही है वो प्राइवेट स्कूलों वालों बिल्कुल भी नहीं वो एफर्ट किए जा रहे, साडे बच्चों के प्रोग्राम 9 to 10 बजे तक TV ते प्रोग्राम आ रहे हैं, जिदे विच असी अपने मैं खुद अपने लैसन भी दे चुकी हाँ EVS दे सबजैक्ट दे विच, और मैं यही मापियां नूं सुनेहा देना चाहनी हाँ कि अपने बच्चों प्राइवेट स्कूल के बजाय सरकारी स्कूल विच लगाओ, क्योंकि इत्थे दीआं सहूलतां भी बहुत ज़्यादा हैं, सरकार वालों दित्तियां जांदियां, साडे स्कूल च NRI वालों भी बहुत सहूलतां दित्तियां जांदियां हन, अते जो कि प्राइवेट स्कूल विच नहीं उपलब्ध हन ये सब कुछ, मैं यही पेरेंट्स नूं मेरा यही सुनेहा है कि अपने बच्चों अपने सरकारी स्कूल विच ही दाखिल करवाओ।